हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो बरसात में अभी अगर अपने गार्डन को हरा भरा, कलरफुल और फूलों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो अभी से ढेर सारी प्लांट की कटिंग जो है लगा दीजिए। फ्रेंड, अभी से कटिंग जो है लगाने से फ़ायदा ये होगा कि बरसात आते आते जो कटिंग से आपकी रेडी हो जाएगी, इस तरह से ढेरों प्लांट जो है आपके रेडी हो जाएंगे। और कहीं कहीं तो बारिश भी जो है स्टार्ट हो गई है फ्रेंड, तो जून के महीनों में भी हम ढेर सारे प्लांट की कटिंग जो है लगा सकते हैं फ्रेंड बहुत ही अच्छे से। कौन कौन से प्लांट्स हैं इसकी कटिंग हम जून के महीने में लगा सकते हैं फ्रेंड, और कटिंग को कैसे लगाना है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, और जो कटिंग मैंने कुछ दिनों पहले लगाई है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, आप देख सकते हैं यह है डबल चांदनी का प्लांट। और ये जो प्लांट है पूरे बरसात इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग करता है फ्रेंड। तो आप भी चाहते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं पूरे बरसात आपके गार्डन में इस तरह से खिलते रहे, तो इस प्लांट की कटिंग जो है अभी लगा लीजिए फ्रेंड। इस तरह से बरसात में जो प्लांट है आपको भर भर के फूल देगा। और देखिए, मैंने इसकी जो कटिंग है इस तरह से ये जो बोतल है इसी में लगा के रखी, और देखिए मेरी कटिंग भी रेडी हो गई है। तो इसे अब मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से आप भी इस प्लांट की कटिंग जो है अभी लगा सकते हैं। डबल चांदनी का प्लांट हो या फिर सिंगल चांदनी का प्लांट हो, किसी भी प्लांट की कटिंग जो है अभी आप लगा सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्पोजेबल ग्लास में मैंने सिंगल चांदनी प्लांट की कटिंग लगाई है। यहाँ हमने दोनों प्लांट की कटिंग जो है ले ली है। कटिंग जो है हमें इस तरह से लेनी है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली लेनी है, ऊपर की सॉफ्ट कटिंग भी नहीं लेनी है, इस तरह की कटिंग जो है लेनी है। तो कुछ पत्ते जो है इसके हम कम कर देते हैं फ्रेंड, ताकि हमारी जो कटिंग है वो अच्छे से लग सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके कुछ पत्ते जो हैं हटा दिए हैं, सारे पत्ते नहीं हटाना है। और कटिंग को लगाने के लिए हम एलोवेरा जेल का यूज करेंगे फ्रेंड। एलोवेरा जेल से जो हमारी कटिंग है उसमें रूट जो है बहुत ही जल्दी बनने स्टार्ट हो जाती है। तो देख सकते हैं आप, ये कटिंग मैंने इस तरह से लगा दी है। और जब भी आप कटिंग को लगाएं तो चार पांच कटिंग लगाएं, तो यहाँ पर मैं आपको दो कटिंग जो है वो लगा कर इस तरह से बता रही हूँ फ्रेंड। और देखिए दोनों ही पॉट में मैंने ये दोनों प्लांट की कटिंग जो है एक ही साथ लगा दी है। के महीने में आप डबल चांदनी या फिर सिंगल चांदनी प्लांट की कटिंग जो है लगा सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से आपकी जो कटिंग है बरसात आते आते रेडी हो जाएगी, और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स भी खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आप देसी वाले गुड़हल प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह है मेरा व्हाइट वाला गुड़हल का प्लांट, जो कि इस तरह से बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड। तो अभी आप इस प्लांट की कटिंग लगा देंगे तो बरसात में इस तरह से भर भर के आपके गार्डन में फूल जो है वो खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये दोनों प्लांट जो मैं इस तरह से मैंने आटे के ग्रो बैग में लगा के रखे फ्रेंड, दोनों को मैंने कटिंग से रेडी किया है। और देखिए प्लांट जो है कितना छोटा है मेरा, इसमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आप भी चाहते हैं कि आपके भी गार्डन में इस तरह से गुड़हल का प्लांट जो है बरसात में भर भर के फ्लावरिंग करें, तो इस समय आप इस प्लांट की कटिंग लगा दीजिए और आपका गार्डन भी फूलों से भर जाएगा। यहाँ पर मैंने व्हाइट वाले गुड़हल प्लांट की दो कटिंग जो है ले ली है फ्रेंड। कटिंग जो है इस तरह के लिए, न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली है, इस तरह की कटिंग जो है हमें लेनी है फ्रेंड। और इसके नीचे के जो पत्ते हैं उसे हम हटा देंगे, ताकि कटिंग जो है हमारी आसानी से लग जाए। दोनों कटिंग में मैं इस तरह से एलोवेरा जेल जो है लगा देती हूँ फ्रेंड, इससे हमारी जो कटिंग है बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। और जब इसके लिए मिट्टी हम तैयार करेंगे तो उसमें आधी आप मिट्टी और आधी बालू की जो मात्रा है वो लगाइए। बालू इसमें ज़रूर डालिए फ्रेंड, ताकि आपकी कटिंग जो है आसानी से लग जाए। केवल मिट्टी में जो है कटिंग नहीं लगाइए, उसमें बालू की मात्रा भी ज़रूर लगाइए। और कटिंग को लगाने के बाद अच्छे से उसे इस तरह से दबा दीजिए, ताकि आपकी जो कटिंग है वो हिले ना। और इसे किसी छाए वाले जगह में ही रखेंगे। बोगनविला का प्लांट, इस तरह से ये जो प्लांट है पूरे समर भर भर के फ्लावरिंग करता है फ्रेंड। तो इस प्लांट की कटिंग जो है अभी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इस प्लांट की कटिंग जो है रेडी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे से प्लांट में ही फ्लावर जो है खिलना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड। तो एक छोटी सी टिप ही मैंने इसकी पिंच करके, देख सकते हैं आप, इसके गमले में ही लगा दी थी। और ये देखिए इसकी जो छोटी सी ये जो टिप है अभी सूखी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से इस प्लांट की कटिंग जो है अभी आप लगा सकते हैं फ्रेंड। ये जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाएगा आपका बरसात में, इस तरह से भर भर के इसमें फूल भी खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लांट से मैंने इस प्लांट को रेडी किया है। देखिए जो प्लांट है मेरा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड। तो अभी आप इस प्लांट की कटिंग लगा लेंगे तो प्लांट जो है आपका बरसात आते आते रेडी हो जाएगा, और इस तरह से उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कि एक छोटी सी कटिंग जो है ले लेते हैं इस तरह से। बोगनविला प्लांट की कटिंग जो है ले लिए फ्रेंड, तो इसके भी पत्ते जो है कम कर देने हैं। जब भी हम कोई कटिंग लगाएंगे तो उसके सारे पत्ते नहीं रहने देना है, कुछ पत्ते जो है इसके हटा देने हैं। इससे बोगनविला प्लांट की कटिंग जो है ले लिए फ्रेंड, उसके नीचे के पत्ते जो है हटा दिए हैं, और इस तरह से इसमें एलोवेरा जेल जो है लगा दिया फ्रेंड। और ये भी कटिंग मैं जो मेरे बोगनविला का पॉट है इसी के पॉट में मैं जो कटिंग है लगा देती हूँ फ्रेंड। तो अगर आपके पास जगह जो है नहीं है तो आप उसी गमले में इस प्लांट की कटिंग जो है लगा देंगे, तो कटिंग जो है बहुत ही अच्छे से लग भी जाती है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जेट प्लांट की कटिंग जो है लगाना बताऊंगी फ्रेंड, क्योंकि जेट प्लांट का अभी ग्रोइंग टाइम में बहुत ही अच्छे से जो प्लांट है अभी ग्रो करता है, और बरसात में आने पर ये जो प्लांट है इसकी कटिंग अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो इस समय इस प्लांट की कटिंग आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी जो कटिंग है लगकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए हम इसकी छोटी सी एक टिप ले लेते हैं फ्रेंड। ये जो प्लांट है काफ़ी हार्डी होते हैं, छोटी सी टिप से ही लग जाते हैं फ्रेंड।
प्लेट प्लांट की एक छोटी सी कटिंग जो है मैंने ले ली है फ्रेंड। और ये जो प्लांट है इतना हार्डी है कि इसमें आपको रूटिंग हार्मोन वगैरह भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए इस तरह से सिंपल मिट्टी में इस प्लांट को दबा देंगे तो बहुत ही अच्छे से लग जाती है। और इस प्लांट की कटिंग को लगाकर आपको छांव में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, धूप में भी डायरेक्ट इस प्लांट की कटिंग को लगा के रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से जो प्लांट है आपका अभी रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जेट प्लांट की छोटी छोटी कटिंग जो है लगा के रखी है। फिर ये जो प्लांट है बहुत ही हार्डी होते हैं, इस तरह छोटी छोटी कटिंग से ये जो प्लांट है लग जाते हैं बहुत ही आसानी से। और सेंड्रा का प्लांट जिसमें इस तरह से ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड, और इसके जो फ्लावर्स हैं एक बार खिल जाते हैं तो इस तरह से काफ़ी दिनों तक बने रहते हैं फ्रेंड। तो इस प्लांट की कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो प्लांट है इसकी कटिंग जो है लग जाती है फ्रेंड। तो देख सकते हैं इस प्लांट की मैंने दो कटिंग जो है कुछ दिनों पहले ही लगाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कटिंग मेरी ये रेडी हो गई है और एक और कटिंग इस प्लांट की रेडी होकर देख सकते हैं इधर। तो इस प्लांट की छोटी सी टिप लेकर आप इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही आसानी से जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाते हैं। तो देख सकते हैं इसी पॉट में मैंने इसकी कटिंग जो है लगा दी थी और इसमें रूट भी काफ़ी अच्छे से बन गई है। इसकी भी छोटी सी कटिंग जो है हम ले लेते हैं फ्रेंड। इस तरह से कटिंग जो है मैंने ले ली है फ्रेंड, और इस कटिंग के नीचे के भी पत्तों को हम हटा देंगे और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है वो लगा देते हैं फ्रेंड, ताकि हमारी जो कटिंग है लग जाए। और जो प्लांट है बरसात में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है फ्रेंड। इसमें एलोवेरा जेल जो है लगा दिया फ्रेंड, और इसी पॉट में इस तरह से मैं इस प्लांट की कटिंग को लगा देती हूँ। और दो प्लांट की कटिंग तो मेरी पहले से ही रेडी हो गई है फ्रेंड, तो ये जो प्लांट है कुछ ही दिनों में रेडी हो जाएगा। फूलों के साथ साथ आप अपने गार्डन में कलर भी ऐड करना चाहते हैं फ्रेंड, तो इस तरह से आप अभी इस पर्पल हर्ब प्लांट की कटिंग जो है लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से जो प्लांट है कटिंग से अभी आपका रेडी हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी इस प्लांट पर रूट जो है बनना स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड, लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर इस प्लांट पर रूट जो है बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्लांट की टिप की कुछ कटिंग जो है ले ली है फ्रेंड। फूल वाले पत्तों के प्लांट को आप लगाएंगे तो बरसात में आपका जो गार्डन है फूलों से भरा तो लगेगा ही, इस तरह से कलरफुल भी लगेगा फ्रेंड। और ये जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं, एक बार लग जाएंगे तो फिर ये जो प्लांट है आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। तो इसके नीचे के पत्तों को भी हमें हटा देना फ्रेंड। और जो प्लांट है बहुत ही जल्दी लग भी जाते हैं, आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल लगा भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। जो प्लांट है बहुत ही हार्डी होते हैं फ्रेंड, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है लगा देती हूँ। ये कटिंग जब आप लगा रहे फ्रेंड तो इसमें बस आपको चेक यही करना है कि इसमें नोड एरिया जो होने चाहिए, नोड एरिया से इस प्लांट के कटिंग को मिट्टी में आप दबा दीजिए तो मिट्टी में नोड एरिया जो है वो जानी चाहिए। तो इस तरह से जो प्लांट है 4 से 5 दिनों के अंदर ही आपका लगकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड। और काफ़ी सुंदर इसके पत्ते लगते हैं, इस तरह से बरसात में आपका गार्डन जो है वो कलरफुल भी दिखने लगेगा। साथ में आप अपने गार्डन को कलरफुल और हरा भरा दिखाना चाहते हैं फ्रेंड तो क्रोटन प्लांट की किसी भी वेराइटी को आप लगा लीजिए, ये जो प्लांट है कटिंग से बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाते हैं। जून के मंथ में ही अगर आप इस प्लांट की कटिंग को लगा लेते हैं फ्रेंड तो आपका जो कटिंग है बरसात आते आते रेडी हो जाएगी। तो इस प्लांट की कटिंग भी बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं फ्रेंड, बहुत ही आसानी से इस प्लांट की कटिंग जो है लग जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ये जो वैरायटी है क्रोटन प्लांट की इसकी छोटी सी कटिंग जो है वो ले ली है फ्रेंड। तो क्रोटन प्लांट की किसी भी वैरायटी को आप कटिंग से ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी दो कटिंग जो है वो रेडी की है और मैंने इस तरह से ढेरों कटिंग जो है क्रोटन प्लांट की रेडी करके रखी है फ्रेंड। तो देख सकते हैं इसके भी नीचे के जो पत्ते हैं उसे हमें हटा देना है। इससे भी हम इस प्लांट के जो पत्ते हैं थोड़ा इस तरह से कट कर देते हैं तो इससे होगा कि हमारी जो कटिंग है उसे लगने में आसानी होगी फ्रेंड। और थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है इसमें भी हम लगा देते हैं जिससे कि हमारी कटिंग जो है अच्छे से लग जाए, कटिंग जो है ख़राब ना हो। तो इस प्लांट की कटिंग भी मैं जो आप देख रहे हैं जो पहले से मैंने रेडी करके रखा है दो कटिंग, तो इसी कटिंग में मैं जो कटिंग है इसे लगा देती हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आपको अलग से पॉट भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं फ्रेंड। ये प्लांट तो इतना ज़्यादा हार्डी होता है कि इस प्लांट की कटिंग जो है आप कभी भी लगाएंगे तो जो प्लांट है कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं, बल्कि ये जो कटिंग है मात्र एक पत्ते से ही रेडी हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट के एक पत्ते को ले लिया है फ्रेंड। प्लांट है नर्सरी में काफ़ी कॉस्टली देते हैं फ्रेंड, और ये जो प्लांट है एक पत्ते से भी रेडी हो जाता है। यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बेबी प्लांट आप देख रहे हैं सारे को मैंने पत्ते से ही ग्रो किया है फ्रेंड, पत्ते से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बेबी प्लांट भी इसमें निकल रहा है फ्रेंड। तो इस तरह से जो प्लांट है सिर्फ एक पत्ती से ही ग्रो हो जाते हैं फ्रेंड। स्नेक प्लांट जो है पत्ते से ग्रो करके रखे फ्रेंड, तो इस प्लांट को पत्ते से ग्रो करना बहुत ही आसान है, बस इसके एक पत्ती जो है ले लीजिए फ्रेंड। और इस तरह से आपको इसमें कुछ लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली इस प्लांट के जो पत्ते हैं उसे इस तरह से मिट्टी में दबा दीजिए और देखिएगा आप 10 से 15 दिन के अंदर इस प्लांट में रूट जो है बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए एक और खूबसूरत सा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। तो इधर आप देख सकते हैं यह है मनी प्लांट जो कि सबका फेवरेट होता है फ्रेंड। तो इस तरह से ये जो प्लांट है बरसात में काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ करता है जो प्लांट, तो इस समय इसकी कटिंग अगर आप लगा के रखेंगे तो बरसात आते आते जो प्लांट है इतनी अधिक ग्रोथ करेगा कि पूरा जंगल की तरह आपका जो मनी प्लांट है बन जाएगा फ्रेंड। तो फटाफट से इस प्लांट की कटिंग जो है अभी लगा लीजिए।
तो चलिए यहाँ पर हम मनी प्लांट की कुछ कटिंग जो है वो ले लेते हैं। कटिंग जो है मनी प्लांट की ले ली है फ्रेंड, और इसके नीचे के पत्तों को हमें हटा देना है इस तरह से। तो ये जो प्लांट है बरसात में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है फ्रेंड, और बरसात में आपका जो गार्डन है इस तरह से काफ़ी हरा भरा भी लुक में नज़र आएगा। तो मनी प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए हमें इसे नोड एरिया से ही लगाना होगा फ्रेंड, तभी हमारी कटिंग जो अच्छे से लग पाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की हल्की रूट जो है वो बनी रहती है फ्रेंड। दो नोड एरिया तो मिट्टी में जाने ही चाहिए, और अच्छे से हमने इसमें एलोवेरा जेल जो है लगा दिया फ्रेंड। और छोटे से एक ग्रो बैग को मैंने लिया है ये जो सारी कटिंग है इसे लगाने के लिए। और देखिए मैंने इस तरह से अच्छे से इसे प्रेस कर दिया है और मिट्टी से दबा दिया है। और बरसात आते आते ये जो आपका जो कटिंग है ये कटिंग तो मात्र आपके एक हफ्ते के अंदर ही ये जो मनी प्लांट की कटिंग है लगकर रेडी हो जाती है फ्रेंड। इस तरह से बरसात में आपका जो गार्डन है पूरा हरा भरा नज़र आएगा। कि यहाँ पे मैंने इस तरह के बोटल्स में ढेरों मनी प्लांट जो है वो कटिंग से ग्रो करके रखे फ्रेंड। तो इस प्लांट की कटिंग अगर आप अभी लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाएगा। प्लांट है वो कोलियस का प्लांट है फ्रेंड। कोलियस के प्लांट के बिना तो हमारा समर गार्डन जो है अधूरा है। तो आप अपने गार्डन में बहुत सारा कलर ऐड करना चाहते हैं तो कोलियस प्लांट की किसी भी वेरायटी किसी भी कलर को आप लगा सकते हैं फ्रेंड। इसमें ढेर सारे कलर जो है देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड। तो ग्रीन ग्रीन पत्तों के साथ में इस तरह से कलरफुल प्लांट्स वाले पत्ते ज़रूर लगाने चाहिए। मेरी ढेर सारी इस तरह से कोलियस प्लांट की कटिंग जो है रेडी हो गई फ्रेंड। और इसके नीचे के सभी पत्तों को हमने हटा दिया, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें गांठ जो बनी हुई है तो वही गांठ से हम इस प्लांट को लगाएंगे फ्रेंड। और इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है लगा देते हैं। मैं इस तरह से एलोवेरा जेल जो है लगा दिया फ्रेंड, और इसमें इस तरह से गांठ जो है बनी हुई है तो वो जो गांठ वाला एरिया है उसे ही हमें मिट्टी में अच्छे से अंदर प्रेस करना है, तभी हमारी जो कटिंग है लग जाएगी। तो सभी कटिंग को पहले मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। सभी को मैंने इस मशरूम के डब्बे में ही लगा दिया है फिलहाल। तो जब ये रेडी हो जाएंगे तो मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो सभी कटिंग मेरी इस तरह से लग गई है, और इसे हम छाया वाले जगह पर ही रखेंगे क्योंकि कोलियस का जो प्लांट है काफ़ी नाजुक होता है फ्रेंड। तो इस कटिंग को लगा के आपको धूप में नहीं रखना है, छाया वाले जगह में एक हफ्ते तक रखना है फ्रेंड्स। देख सकते हैं यह है देसीना का प्लांट। देसीना का प्लांट भी काफ़ी सुंदर पत्तों वाला प्लांट होता है फ्रेंड, और ये भी प्लांट काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है। ये भी प्लांट जो है कटिंग से रेडी हो जाता है फ्रेंड। तो इधर आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही मैंने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की थी, और उसमें दो प्लांट जो है इसके कटिंग जो है इसी पॉट में लगा दिए थे, दोनों की दोनों कटिंग जो है लग गई थी फ्रेंड। तो ये तो लाल पत्तों वाला है, चाहे ग्रीन पत्तों वाला देसीना का प्लांट। तो इस प्लांट की कटिंग तो मैंने लगभग 10-15 दिनों पहले ही लगाई थी फ्रेंड। तो देखिए इस प्लांट की भी मैंने इस तरह से हार्ड प्रूनिंग की थी। तो देखिए इसमें से दो ब्रांच जो है यहाँ से निकल के आई है, और कि जितनी भी कटिंग निकली थी सभी को मैंने इसी पॉट में लगा दिया था फ्रेंड। और देखिए सारी की सारी कटिंग मेरी लग गई है। देखिए इसमें भी इस तरह से पत्ते जो है आना स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड। तो ये जो प्लांट है इस प्लांट की कटिंग अभी आप लगाएंगे तो इस तरह से बरसात आते आते आपका जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाएगा, और आपका गार्डन भी बिल्कुल हरा भरा नजर आएगा फ्रेंड। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें रूट जो है वो कितनी बनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्लांट पर रूट जो है बनना स्टार्ट हुई थी फ्रेंड, क्योंकि इस प्लांट की कटिंग जो है लगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 10-15 दिन ही हुए होंगे। और देखिए इसमें रूट जो है बनना स्टार्ट हो गई है फ्रेंड। तो इस तरह से आप देसीना प्लांट की कटिंग भी आसानी से लगा सकते हैं फ्रेंड। तो इस प्लांट में इस तरह से नोड एरिया जो है बने रहते हैं, गांठ गांठ जो बनी रहती है फ्रेंड, तो उसे आप मिट्टी में दबा दीजिए। लगभग 3-4 गांठ आपको मिट्टी में दबानी है फ्रेंड। तो ये जो प्लांट है इस तरह से बहुत ही आसानी से कटिंग से रेडी हो जाते हैं। इस समय आप कनेर प्लांट को भी कटिंग से रेडी कर सकते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं इसमें कितने प्यारे प्यारे इस तरह से पिंक कलर के फ्लावर्स जो हैं खिले हुए फ्रेंड। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं मेरा, ये भी मेरा कटिंग से ही रेडी हुआ प्लांट है फ्रेंड। तो ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है, अभी आप इस प्लांट की कटिंग जो है रेडी कर सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से पूरे बरसात ये जो प्लांट है भर भर के फ्लावरिंग करता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स में मैंने इस प्लांट की दो कटिंग जो है लगा के रखी फ्रेंड। तो ये जो कटिंग आप देख रहे हैं इसमें नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तो कटिंग मैंने कुछ दिनों पहले ही लगाई थी फ्रेंड, और ये कटिंग मैंने अभी लगाई है कि लगभग 10-15 दिन ही हुए होंगे। तो इस प्लांट की कटिंग भी अभी सूखी नहीं है, यानी कि मेरा दो प्लांट जो इस तरह से कटिंग से रेडी हो जाएगा। यह है मेरा पान का प्लांट जो कि इस तरह से बोतल वेस्ट बोतल्स में लगा हुआ फ्रेंड। और देखिए जो प्लांट है इसकी ग्रोथ जो है कितनी अच्छे से हो रही है। तो पान के प्लांट को भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड। अगर आप इस प्लांट की कटिंग कहीं मिल जाती है तो आप इस प्लांट को कटिंग से भी रेडी कर सकते हैं फ्रेंड। ये जो प्लांट है अभी आपका कटिंग से रेडी हो जाएगा, और बरसात में बहुत ही सुंदर इसके जो कलर हो जाते हैं फ्रेंड। और ये प्लांट है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करता है बारिश के दिनों में। पान के भी प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड। इस प्लांट को भी मनी प्लांट की तरह ही लगाया जाता है, और मनी प्लांट की तरह ही इसमें नोड एरिया भी बनी हुई होती है। देख सकते हैं आप जगह जगह से इसमें इस तरह से नोड एरिया बनी होती है, और वहीं पर से रूट जो है निकली रहती है फ्रेंड। तो यहीं पर से इसे हम कट करके मिट्टी में दबा देंगे। तो देखिए हमने इस प्लांट की कटिंग को यहीं पर से कट कर दिया फ्रेंड। इसमें हल्के हल्के रूट जो है बनी हुई है, तो ये कटिंग जो है हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। और देखिए इसी पॉट की मिट्टी में मैं इस प्लांट की कटिंग को लगा देती हूँ, और इस तरह से फ्री में मेरा पान का प्लांट जो है रेडी हो जाएगा। अगर पान के प्लांट की कहीं भी कटिंग मिलती है फ्रेंड तो फटाफट से इस प्लांट की कटिंग को लगा लीजिए, और अभी इस प्लांट की कटिंग को लगा लेंगे तो बहुत ही जल्दी ये जो प्लांट है कटिंग से आपका रेडी हो जाएगा।